हाँ, तो जैसे तुमने जो अपनी प्रॉब्लम बताई ना, एक्चुअली ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है कि जब भी इंग्लिश बोलने की बारी आती है ना, दिमाग सुन्न हो जाता है, सुन्न हो जाता है, एकदम ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी सूझ संपट नहीं पड़ती कि अब करें तो करें क्या। कई लोगों के तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, कई लोगों की ऐसा लगता है जीभ ऐड गई है, बोल भी नहीं पाएंगे, एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकलता है। अच्छा, जनरली लोग क्या करते हैं कि ना इसके बारे में सजेशन देते हैं कि भाई प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हो साथ में इसकी भी प्रैक्टिस करो उसकी प्रैक्टिस करो, कोई कहता है मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो, या दो तीन दोस्तों को बुला के उनके सामने प्रैक्टिस करो, छोटे मोटे मंच पे जाके प्रैक्टिस करो। यार ये प्रैक्टिस करते करते तो कई महीने साल निकल जाएंगे, मुझको आज ही चाहिए इसका सल्यूशन, आज ही होना। क्यों? क्योंकि आज मैं भी तुमको कुछ है ना एडवाइस दे के भेज दूँ कि भाई जाओ घर जाओ प्रैक्टिस करो, तो तुमको बोलने का एकदम जो ब्लैंक आ जाता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, वो नहीं होगा। लेकिन अब तुम यहाँ आए हो, तुमको चाहिए सल्यूशन, प्रॉब्लम का सल्यूशन सीधा सीधा होना चाहिए। जब तक वो सल्यूशन नहीं है, जब तक अगर वो प्रॉब्लम के ऊपर सीधे अटैक नहीं करता हो। ये जो प्रॉब्लम थी ना, मेरे को याद आया कि जब मेरे को भी कुछ कमेंट आए थे कि सर है ना जरा बताइए कि ना इंग्लिश बोलने का टाइम हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, हम कुछ सोच नहीं पाते हैं, तो ऐसा मैंने फिर अपने बारे में सोचा कि जब मैं भी छोटा था तो स्पोकन इंग्लिश की क्लास में जाया करता था और हम लोग खूब सब दोस्त लोग आपस में चक्कर चक्कर बातें किया करते थे, सर भी परेशान हो जाते थे, बातें हिंदी में करते थे, सीखने गए इंग्लिश सीखने गए और हिंदी में बातें कर रहे हैं और एक दूसरे से खूब हंसी मजाक कर रहे हैं, खूब ज़्यादा दोस्ती हो गई। एक दिन सर ने परेशान होकर कह दिया कि अब इस क्लास के अंदर जो भी बोलेगा वो इंग्लिश में बोलेगा। उसके भाई बात तो आप देखो, क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं कि अब एक भी शब्द तो निकल नहीं रहा ना मुंह से, करें तो क्या करें। सर हमको छोड़ के चले गए कि अब मैं ना पास के कमरे में काम कर रहा हूँ, मुझे आवाज़ नहीं आना चाहिए एक की भी हिंदी में, इंग्लिश तुम भले 10 घंटे तक बात करो। यकीन मानो क्लास में जब तक वो वापस आए तब तक कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, बस एक दूसरे से नजरें मिला रहे थे और कुछ कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो ऐसी ब्लैंकनेस की पोजीशन जो है ना, ये सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी आती है, किसी किसी को तो स्टेज पे जाते हैं और ये प्रॉब्लम आ जाती है। तुमने ही पूछा था ना कि वो स्टेज फियर है, वो फियर का यही प्रॉब्लम है, वो कॉन्फिडेंस वाला। अभी क्या है कि कुछ लोग इसको बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है इसलिए तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई फियर है तो डर से डर के आगे जीते कोई कोल्ड ड्रिंक पी के जाओ, इस तरह के बचकाने भी लोग बताते हैं। कुछ लोग बताते हैं प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस एक अच्छी बात है, प्रैक्टिस तो हर चीज़ की करते ही रहना चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो बात है, बिल्कुल श्योर शॉट है। लेकिन क्या आपके पास इतना समय है कि तब तक का इंतजार करें? प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व करना है ना, अगर प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं होती है तो वो प्रॉब्लम फिर बनी रहती है और हमारे दिमाग में डर बैठ जाता है हमेशा के लिए कि यार जब भी इंग्लिश बोलने का काम पड़ेगा ना, ये दिमाग काम करना बंद कर देगा और फिर जैसा आप सोचते हैं होता भी है और काम करना बंद कर देता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि ना जब वो स्टेज पर जाते हैं या इंग्लिश में कुछ बोलने आते हैं, उनसे सिंपल बातें बोलना है उनको, सिर्फ सिंपल बातें। जैसे इंटरव्यू में पूछा कि टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अब अपने बारे में क्या बोलना होता है, भाई हमारा नाम ये है, फलाना जगह रहते हैं, फलाना यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, फलाना जॉब अभी तक किया है। सिंपल सिंपल चीज़ें अपने बारे में बोलना है, जो हम अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको बोलने में भी आदमी ब्लैंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में बोलना रहता है ना, मतलब यह डर बोलने का नहीं है। अगर आपको हिंदी में बोलने का बोले, आपको बोलना है तमिल में बोलने का बोले ना, तो आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा, आप तो घंटे घंटे पूरे खा जाओगे और बोलते चले जाओगे। लेकिन जैसे इंग्लिश में बोलना शुरू करा ना, अब घंटे आपको खा जाएंगे, कई घंटे गुजर जाएंगे, आप कुछ नहीं बोल पाओगे। तो ये प्रॉब्लम इंग्लिश का है, सिर्फ बोलने का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इंग्लिश का प्रॉब्लम है। देखो इसके पीछे जब मैं ना देखते हैं थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में देखें कि 1890s के जो जनरेशन है ना, जो 80 और 90 के ईयर में पैदा हुई, उस टाइम पर क्या हुआ था कि इंग्लिश का बड़ा क्रेज हो गया था उस टाइम, और इंग्लिश को बड़ी भारी कोई लैंग्वेज मानते थे, सहाबों की लैंग्वेज मानते थे, और जो इंग्लिश में बोलते थे उसको बड़ा पढ़ा लिखा मानते थे, कहते थे भाई अरे वो इंग्लिश में बात कर रहा है, वो तो इंग्लिश में बोलता था। अभी तो देखो ना जनरल सब बच्चे छोटे छोटे जो इस जनरेशन के ना, फटाफट फटाफट इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डर ही नहीं है ना उनको, क्योंकि वो उस समय जो सोच थी ना, पूरी समाज की सोच थी, इंग्लिश को एक बड़ा हवा बना के रख दिया था, इंग्लिश को भूत बना के रख दिया था हमारे दिमाग में। तो
हमारे दिमाग में ये चीज घर कर गई कि इंग्लिश बोलना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग ही बोल सकते हैं, हाई क्लास लोग ही बोल सकते हैं। आपने देखा होगा ना, लोग घर में बच्चों से तो हिंदी में बात करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे जाएंगे तो इंग्लिश में बात करने लगेंगे। बेबी लिसन ना, बेबी ईट प्लीज, इस तरह की बातें करने लगते हैं। या मॉल में जाएंगे या कहीं पर भी आप देखो कि बड़ी जगह पर भी या कोई होटल में जाएंगे ना, लोग अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करने लगते हैं। ये सब चीज़ें जब दूसरे लोग देखते हैं ना, तो क्या सोचते हैं कि इंग्लिश खाली साहबों की भाषा है या बहुत ज़्यादा हाई क्लास लोगों की भाषा है। अरे इंग्लिश तो खाली भाषा है यार, हाई क्लास लो क्लास के सभी लोग बोल सकते हैं इसको। अभी वो मुंबई में कोई भिखारी, वो बता रहे थे इंग्लिश में भीख मांगता है, इंग्लिश में बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर देता भिखारी और इस तरह से भीख मांगता है, पर वो तो साहब नहीं है, वो तो भीख मांग रहा है। इंग्लिश केवल एक भाषा है और इसको सिर्फ बोलना है। पहले तो दिमाग से भूत को निकालो कि इंग्लिश का भूत जो सिर पे चढ़ा हुआ है ना, जो सालों साल से, उसको निकालो। वो निकल जाए तो अच्छा है, नहीं तो मैं थोड़ी थोड़ी आपको चाबियां देता हूँ। क्योंकि जब ये माइंड ब्लैंक होता है ना, कब ब्लैंक होता है कि इंग्लिश बोलने की बारी है, अब इंग्लिश में बोलना है। तो जैसे कि मैंने अभी बोला था ना कि इंटरव्यू में जब तुमको अपना नाम भी बोलना है ना, माय नेम इज दिस, उसमें भी माइंड ब्लैंक हो जाता है। अरे अपने नाम बोलने में भी ब्लैंक हो रहे हो, यानी कि आपकी प्रॉब्लम कहीं और बैठी हुई है, उसको निकाल के बाहर भगाना है। माइंड में बैठ गया है कि बस इंग्लिश बोलना खतरनाक है, तो वो जब भी बोलने की बारी आएगी ना, आपको सुन्नत आएगी, दिमाग के आगे अंधेरा छा जाएगा, जीभ हट जाएगी और सुन्न हो जाएगा सब कुछ, इंजन आपके दिमाग का जाम हो जाएगा। फिर जैसे वो इंजन जाम होता है ना, चलता नहीं है, तो इंजन को इग्नाइट करने की छोटी छोटी चाबियां मैं अभी आपको दूंगा। कभी भी ऐसी स्थिति में फंस जाओ ना, जब माइंड ब्लैंक हो जाए ना, आपको ये छोटी सी चाबी लगा दोगे ना, आपका इंजन फिर फर्राटेदार चालू हो जाएगा और दनादन बोलना शुरू कर दोगे। होता क्या है कि जब हमारा माइंड ब्लैंक होता है, अब अपन थोड़ा मुद्दे की बात पर आते हैं, हमारा माइंड जब ब्लैंक होता है ना, तो आप उस समय की सिचुएशन को जरा फील कीजिए, उस समय क्या होता है आपके अंदर। उस समय आपका माइंड कुछ शब्दों का भूखा होता है, मतलब कि उसको कोई ना कोई शब्द चाहिए स्टार्टअप करने के लिए। एक दो शब्द, पांच दस शब्द अगर आपने उस समय इंग्लिश में बोल दिए ना, तो आप इंग्लिश में चालू हो जाएंगे। भाई तुम हिंदी में या तमिल में मत बोल देना, नहीं तो तुम है ना हिंदी तमिल में चालू जाओगे, फिर बंद ही नहीं होगे, बोलते चले जाओगे तुम तो। आपको इंग्लिश में बोलना है तो एक दो शब्द पहले इंग्लिश में बोलना है, जब आपका माइंड एकदम टोटली ब्लैंक कंडीशन में चले जाए ना, कि भाई अब कुछ नहीं बोल रहा है, जरा फील करो उस सिचुएशन को। उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में हमारे दिमाग में कोई शब्द नहीं आ रहा होता है इंग्लिश में, हिंदी में तो आ रहा होता है, इंग्लिश में नहीं आ रहा होता है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको वो छोटी छोटी चाबियां दे रहा हूँ। अलग अलग सिचुएशन में जब आपको इंग्लिश बोलने का काम पड़ता है ना, तब आपको अलग अलग ही छोटी छोटी चाबियां यूज करना है। आपको याद भी नहीं रखना है मैंने आपको क्या क्या दिया है, आपको इनमें से कुछ भी चीजों से स्टार्ट कर देना है। नहीं तो आप है ना फिर ये याद करते रह जाओगे, यार सर ने क्या बताया था, इस समय क्या बोलना था, तो वो करेला वो भी नीम चढ़ा वाली स्थिति हो जाएगी। तुमको नहीं आया ना, तमिल में कहावत नहीं होती करेला वो भी नीम चढ़ा, मतलब कि सम बेड कंडीशन एंड देर इज सम वर्स कंडीशन विद दिस। तो इंग्लिश हो हिंदी हो, आपको बोलना है तो आप किसी भी भाषा में, पहली बात तो ये कि डर निकालिए। आपको हिंदी का डर है कि हिंदी में कैसे बोलोगे, आपको हिंदी आती है, मैं इतनी हिंदी बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है, पर बोलने के टाइम आप भी अटक रहे हो, तब तो आप शर्म नहीं कर रहे। जब हिंदी में अटक रहे हो तो आप शर्म नहीं कर रहे, इंग्लिश में अटक रहे हो तो आप शर्म आ जाती है आपको। अरे शर्म किसी बात की मत करो भाई, जब हम ये भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है, आपकी तमिल है, आपकी हिंदी मातृभाषा नहीं है ना, मदर टंग मातृभाषा आपकी, मदर टंग जो है कि हिंदी नहीं है, लेकिन आप अटक रहे हो तो आपको उस पर शर्म महसूस नहीं हो रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं हमारी मदर टंग नहीं है, तो इंग्लिश में अटकते हो तो फिर इतना क्यों घबरा जाते हो। इंग्लिश में भी नॉर्मल रहो ना, जैसे अभी नॉर्मल हो, आप हिंदी नहीं बोल पा रहे तो समझ तो पा रहे हैं। सेम हम लोगों की सबकी कंडीशन है कि इंग्लिश समझ तो पाते हैं हम, इंग्लिश में हम लोग तो सीरियल भी देख लेंगे, वेब सीरीज भी देख लेंगे, सब देख लेंगे, बोल नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम बोलने की आती है। तो ऐसी जब कंडीशन आ जाए तो आपको ये चीज़ें मैं जो देने वाला हूँ ना, उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन आती है बताओ, जब इंग्लिश बोलने की काम पड़ता है। चार कंडीशन आती है जब आपको इंग्लिश बोलने का काम पड़ता है। कौन कौन सी चार कंडीशन? पहली कंडीशन है
कि जब आपसे कोई राय या ओपिनियन आपका पूछा जाता है, कई बार आपने देखा होगा ना ग्रुप डिस्कशन में बैठे रहते हैं, एक टॉपिक दे दिया, चलो बोलो भाई टॉपिक पे, कोई भी जनरल करंट अफेयर का टॉपिक दे दिया, जैसे अभी श्रीलंका का फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है ना, उस पर बोल दिया चलो बोलो भाई क्यों फाइनेंशियल क्राइसिस आया, क्या हो रहा है वहां पर। अब भाई आपको श्रीलंका के बारे में भी मालूम है, उसके फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में मालूम है, अरे रोज तो पेपर पढ़ रहे हो, पेपर नहीं पढ़ते सब तो टीवी तो सभी देख रहे हो ना, सबको मालूम है टीवी पर भर भर के न्यूज़ें आ रही हैं। लेकिन उस समय क्या होता है कि बोलना इंग्लिश में ना, जीडी में ग्रुप डिस्कशन में इंग्लिश में बोलना है ना, वही दिमाग आपका शून्य हो जाएगा। तो आपसे जब पहली कंडीशन इंग्लिश बोलने की जो आती है कि आपसे किसी चीज़ के बारे में राय पूछी जाती है ग्रुप डिस्कशन में, जनरली आपकी राय या ओपिनियन पूछा जाता है, तो पहली कंडीशन तो ये आती है जब आपको इंग्लिश बोलना है। दूसरी कंडीशन आती है आपको जब कोई आपसे एक्सपीरियंस या अनुभव पूछता है कि भाई आप उस शहर में गए हैं वहाँ पर आपको कैसा क्या लगा, आपने वो देश देखा है आपको वहाँ पर कैसा क्या लगा, या आपने कोई चीज़ को फील किया है, या कहीं पर भी कोई भी चीज़ आपने खाई रेस्टोरेंट में तो वहाँ का खाना कैसा था, आपको इंग्लिश में बताना है। दूसरी कंडीशन ये आती है जब आपको एक्सपीरियंस बताना अपना। अब तीसरी कंडीशन ये आती है कि जब आपसे कोई निर्णय या डिसीजन पूछा जाता है, ऐसा जनरली आर्मी के इंटरव्यूज में होता है, वो आपको कोई टफ सिचुएशन आपके सामने रख देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इस कंडीशन में आप क्या डिसीजन लोगे, क्योंकि आर्मी में क्विक डिसीजन लेते हैं ना, फटाफट डिसीजन, क्योंकि टाइम ही नहीं है, आप टाइम डिसीजन लेने में टाइम लगाओगे जब तक तो खेल खत्म कर देगा सामने वाला आपका। तो टफ कंडीशन आपको देते हैं और आपसे डिसीजन पूछते हैं, और आर्मी के इंटरव्यू मोस्टली इंग्लिश में होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है कि एकदम पूछा है डिसीजन और इंग्लिश एकदम में बोलना है, माइंड ब्लैंक हो रहा है। चौथी कंडीशन आती है जब आपको कोई जानकारी या फैक्ट बताना होता है किसी भी जगह के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, भाई आपने नया मोबाइल लिया तो मोबाइल के बारे में बताओ, आपने नई कोई सी कार खरीदी तो उसके बारे में जानकारी या फैक्ट बताओ, या कहीं पर आपने कोई ज़मीन ली, कुछ भी लिया है, कुछ भी काम किया है, आपको उसके बारे में जानकारी या फैक्ट बताना है। आपको बोलते हैं बताओ भैया इंग्लिश में बोलो, जनरली स्पोकन क्लास में इस तरह की चीज़ें बुलवाई जाती हैं खड़े होकर कि चलो बोलो भाई तुमने अभी क्या रिसेंटली क्या खरीदा है, भैया मैंने अभी फलाना जगह से इस कंपनी के कपड़े खरीदे हैं, चलिए बताइए उसके बारे में आपका क्या फीडबैक है। बस बोलना शुरू हो ही नहीं पाते, कंपनी का नाम भी नहीं ले पाते जिस कंपनी का अभी हाल ही थोड़ी देर पहले बोला था। इन चार कंडीशंस में आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर ये आपको मानसिक शून्यता को फेस करना पड़ सकता है। जो नए नए इंग्लिश बोलने वाले हैं थोड़ा बोलना सीख गए ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस आपकी टोटल ब्लैंकनेस के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ चाबियाँ। तो मैंने आपको जैसे अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि माइंड जब इस तरह की ब्लैंक स्थिति में जाता है, आप थोड़ा सा फील करिए कि मान लीजिए अभी आपका माइंड ब्लैंक स्थिति में चला गया है, अब आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की जरूरत महसूस हो रही है, आपको एक दो इंग्लिश के शब्दों की महसूस हो रही है कि अभी कुछ बोलने में आ ही नहीं रहा। ऐसी स्थिति में दिमाग को सिर्फ 2 सेकंड चाहिए होते हैं, सिर्फ 2 सेकंड। अगर 2 सेकंड के अंदर अंदर आपने कोई सा भी इंग्लिश का शब्द बोल दिया ना, तो आपका दिमाग स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो दिमाग का इंजन जो अभी तक जाम था वो रिस्टार्ट हो जाएगा, इग्नाइट हो जाएगा और भागने लगेगा। लेकिन इन 2 सेकंड के अंदर आपको कोई शब्द बोलना है, तो मैं आपको ऐसी सिचुएशन के लिए, अलग अलग सिचुएशन में जो आपको बोलने की ज़रूरत पड़ती है, मैं कुछ शब्दों का आपको समूह देता हूँ। इनसे आपके दिमाग को जैसे ही कुछ टाइम मिलेगा ना, आपका दिमाग बाद में उसके आगे क्या शब्द बोलना है वो अपने आप पकड़ लेगा, लेकिन आपको इस ब्लैंकनेस से बचा लेगा, जो आप टोटली ब्लैंकनेस में चले जाते हो ना, इससे आपको बचा लेगा। जैसे आप कोई भी शब्द बोलिए, जैसे जैसे आपको इंग्लिश बोलने की बात आती है, चलिए आप बोलिए इंग्लिश में, तो आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं छोटे छोटे शब्दों से, आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट के बारे में या डायरेक्ट जो पूछा है ना उसके बारे में नहीं बोलना है, डायरेक्ट आपको एक दो छोटे शब्द बोलना है, जैसे ओके, लेकिन शब्दों को आराम से बोलना है और लंबा खींच के बोलना है, जैसे ओके या सर मैडम जो भी हैं, ओके सर मैडम, या आप कभी कभी शुरुआत कर सकते हैं वेल, जैसे आपसे कोई भी जानकारी पूछी ना, आप कंधे उचका के बोल सकते हैं वेल। एक बात और ध्यान रखना, इंग्लिश बोलते समय कुछ बॉडी मूवमेंट जैसे कंधे उचकाना
है ना, चेहरे के ऊपर कुछ भाव भंगिमा लाना, ये जनरली ज्यादा करना पड़ता है। हिंदी में इतना नहीं करना पड़ता, पर इंग्लिश में आपने देखा होगा कि ज्यादा बॉडी लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश में शब्द कम होते हैं और बोलना ज्यादा रहता है। हिंदी के पास, हिंदी एक समृद्ध भाषा है, इसके पास बहुत सारे शब्द हैं, तो बहुत ज्यादा बॉडी को नचाए बगैर भी आप आराम से बोल सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में बोलते वक्त थोड़ा सा आपको बॉडी को नचाना पड़ता है ना, डांस नहीं करना पड़ता है, खाली बॉडी को आपको थोड़ा सा मूव करना पड़ता है। अभी मैं शुरू करना, तो आपको सबसे पहले कोई ऐसे इजिएस्ट शब्दों से शुरू करना है, जैसे ओके ओके आई विल स्पीक अबाउट दिस, या जीडी में बोल रहे हैं हेलो माय फ्रेंड्स, मतलब कि आपने स्टार्टिंग कुछ भी छोटे शब्दों के समूह से शुरू करना है जो कि इंग्लिश के हों, या हेलो डियर, डियर फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेड मैम और सर, इस तरह से शुरू करेंगे ना, तो आपके जो 2 सेकंड की ब्लैंकनेस आपने 2 सेकंड के अंदर ही खत्म कर दी ना, फिर तो दिमाग आपका काम करने लगेगा, क्योंकि इन 2 सेकंड में जैसे ही आपने इंग्लिश का शब्द बोला आपका दिमाग का स्विच इंग्लिश की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और वो अगले शब्द आपके दिमाग में उभर के आने लगेंगे कि अगला आपको क्या बोलना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी आपको और भी ज़्यादा इन कंडीशन में, जो मैंने आपको बताया ना कि इंग्लिश बोलने की जो 4 कंडीशन होती है उसमें और भी ज़्यादा हैं, तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से मैं आपको कुछ शब्दों के समूह या फ्रेज बता देता हूँ, आप उससे शुरुआत कर सकते हैं और इस वाली प्रॉब्लम से आज से ही बच सकते हैं। जैसे जब आपसे राय पूछी जाती है तो आप बोल सकते हैं ओके अकॉर्डिंग टू मी, है ना, आराम से बोलिए, बहुत जल्दी जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी बोलेंगे यानी कि मेरे, क्योंकि आपसे ओपिनियन पूछा है ना, तो आप बताओ कि मेरे हिसाब से मैं ऐसा सोचता हूँ, ये मत फाइनल डिसीजन नहीं देना है आपको, आपसे खाली ओपिनियन पूछा है ना, तो अकॉर्डिंग टू मी बोल सकते हैं आप, या आप है ना सीधे बोल सकते हैं कि ओके इफ यू आस्क मी आई विल से, आप इस तरह से बोल सकते हैं फर्स्ट थिंग इज दिस, फिर उसके बाद में आपको जिस बारे में भी बोलना है आप आराम से धीरे धीरे बोलिए। याद रखिए इंग्लिश को एकदम बहुत ज़्यादा ताकत से या बहुत ज़्यादा भागते दौड़ते नहीं बोलना है, आराम से बोलो, कोई कहीं नहीं भाग रहा है, सब आराम से बोल रहे हैं, आप भी आराम से बोलो, आपके पास भी सफिशियंट टाइम है, आप उतने टाइम में आराम से बोलेंगे ना तो भी आप अपनी बात कह पाएंगे, लेकिन आप जो मानसिक शून्यता में चले जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं कह पाएंगे, उससे तो बहुत बेटर है कि आप आराम से बोलें और जितना बोल सकते हैं उतना बोलें। आप शुरुआत कर सकते हैं जैसे कि आपसे पूछा कि भाई आपका ओपिनियन क्या है, तो आप बोल सकते हैं इन माय ओपिनियन, ओके इफ यू आस्क माय ओपिनियन, और इफ यू रियली वांट टू नो माय ओपिनियन आई विल से दैट, इस तरह के शब्दों से आप शुरू करना है आपको, आपको इंग्लिश बोलना है, आपको सीधे सब्जेक्ट पे नहीं आना है, ठीक है ना, या इफ यू वांट टू नो माय पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरह से बोल सकते हैं आप, इफ यू रियली वांट टू नो माय ओपिनियन सो माय ओपिनियन इज, इस तरह से आप अपने दिमाग को और ज्यादा ज्यादा टाइम भी दे सकते हैं। इसी तरह दूसरी कंडीशन आई है, जब आपसे आपका अनुभव पूछा जाता है तो आप अपने अनुभव को इन शब्दों से शुरुआत कर सकते हैं कि आई हैव रीड समवेयर, इस तरह से मतलब मैंने कहीं पढ़ा है, या आई हैव सीन समवेयर, या आई हैव हर्ड समवेयर, मैंने कहीं सुना है, इस तरह के शब्दों से भी शुरुआत कर सकते हैं। और या आप इस तरह से बोल सकते हैं एक्चुअली व्हाट हैपेंस, मतलब वास्तव में होता क्या है, यानी कि आपको शुरुआत करने के लिए कुछ इंग्लिश में शब्द मिल गए ना, तो बाद के पीछे के शब्द आपका जो दिमाग है ना उसको कुछ मिली सेकंड्स का भी टाइम मिल जाता है ना, इतनी देर में तो वो हजारों शब्द सोच सकता है, दिमाग की स्पीड की कोई सीमा नहीं है। बट इसको स्टार्ट करने एक काम होता है, जो मैं आपको छोटी छोटी ये चाबियां दे रहा हूँ ना, ये बस आपके दिमाग को इग्नाइट करने का काम करेंगी। वंस योर माइंड इज इग्नाइटेड इट विल स्पीक ऑटोमेटिकली फास्ट, नो प्रॉब्लम, है ना, बट यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस वर्ड्स। तो अब तीसरी कंडीशन जो आती है कि आपसे आपका निर्णय पूछा है इंटरव्यू में या कहीं पर भी, कंडीशन बताइए, निर्णय पूछा है और इंग्लिश में आपको बोलना है, तो आप यूं बोल सकते हैं स्टार्टिंग में ओके सर, ओके वेल इफ यू वांट टू नो माय डिसीजन, ओके आई वुड प्रिफर, और सिंपली आई विल प्रिफर इफ यू आस्क माय डिसीजन, इस तरह के शब्दों से शुरुआत करके आप अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। और चौथी कंडीशन आती है कि आपसे किसी चीज के बारे में जानकारी पूछी जाती है या आपको कोई फैक्ट बताना होता है, तो एक और इसमें एक टेक्निक हो कि आप किसी का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो आप क्वेश्चन से ही शुरुआत कर सकते हैं, जो उसने सामने वाले ने पूछा है ना उसी के क्वेश्चन में से ही कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपनी बात को शुरू कर सकते हैं।
तो जैसे आपसे कोई जानकारी फेक मांगा है तो ओके इफ यू रियली वांट टू नो अबाउट दिस, ये आप क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डू यू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट और अबाउट दिस थिंग अबाउट दिस सिटी वट एवर, जो भी आपसे पूछा है। या कभी कभी आपसे ऐसी जानकारी पूछी है जिसके बारे में आपको पूरा मालूम नहीं है, मतलब आपसे किसी ऐसे देश के बारे में पूछा जिसके बारे में आप कभी गए नहीं। जैसे मैं तो 10-12 देशों में घुमा हुआ हूँ, तो मुझे जिन देशों में गया हुआ हूँ उनके बारे में पूछेंगे तो मैं फटाफट बता दूंगा। लेकिन कभी कभी जिन देशों के बारे में मैं नहीं गया हूँ, खाली सुना है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में अपना डिस्क्लेमर दे सकते हैं कि एक्चुअली आई रियली डोंट नो मच अबाउट, बट आई कैन स्पीक दैट, बट आई कैन से समथिंग अबाउट दिस। मतलब आपने अपना डिस्क्लेमर दे दिया कि मेरे को बहुत ज़्यादा तो पता नहीं है, पर मुझे थोड़ा बहुत जो पता है वो मैं आपको बोलता हूँ। तो इसमें क्या होगा, डिस्क्लेमर देने के बाद आप कोई आपके ऊपर चढ़ेगा भी नहीं कि अरे यार तुम तो गलत बात बता रहे हो, उसके बाद आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो क्योंकि आपने पहले ही मान लिया कि ज़्यादा जानते नहीं, तो फिर आप बोलते चले जाओ, फिर कोई रुकने का काम नहीं है। तो इन चार कंडीशन में मैंने आपको जो छोटी छोटी चाबियाँ दी ना, इनका इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे कि आज और अभी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप में से किसी को मेरे ख्याल से अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जब भी इंग्लिश बोलने की बारी आई तो माइंड ब्लैंक हो गया है। आप इन सब चीज़ों का यूज़ करके बताइए, छोटे छोटे टूल्स हैं ये और टेक्निक्स हैं, इनका यूज़ करके बताइए कि स्पोकन इंग्लिश में आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। और मेरे ख्याल से अब इंग्लिश का डर जो है ना आपके अंदर, इंग्लिश का जो हवा था वो शायद बाहर निकल गया होगा। निकल गया कि नहीं निकल गया, नहीं निकला है तो निकाल दो, इन छोटे छोटे शब्दों का यूज़ करो, इन छोटे छोटे शब्दों के समूह का यूज़ करो, बोलना शुरू करो, अपने आप निकल जाएगा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं यार, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं यार, आप तो इतने बड़े हो गए हो। बस ये कि आपको अभी तक वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, अब आपको एनवायरनमेंट मिला है तो आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने आपको इसका सोल्यूशन बता दिया है। आप इन चीज़ों का यूज़ करिए, फिर मुझे बताइए कैसा लगा, और फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।